स्टूडेंट्स, मोर ऑन प्रोजेक्टाइल मोशन में आज हम स्टडी में करेंगे कि हम लोग किस तरह से जो है हम लोग वेलोसिटीज निकाल सकते हैं प्रोजेक्टाइल की कि मतलब किसी भी टाइम के लिए, किसी टाइम पे, यानी कि अगर फॉर एग्जांपल मैं इस टाइम पे जो है वेलोसिटी फाइंड आउट करना चाहती हूँ प्रोजेक्टाइल की, कि वो जो है उसकी वर्टिकल वेलोसिटी क्या होगी, उसकी हॉरिजॉन्टल वेलोसिटी क्या होगी, और फिर मैं ये एंगल भी फाइंड आउट करना चाहूँगी कि किस एंगल पे जो है ये इसकी जो है प्रोजेक्शन की गई है। अब ये सारी चीज़ें जो है इसको फाइंड आउट करने के लिए जो है दोबारा से, मतलब ये नेक्स्ट पेज पर मैं जो है एक वो वाली फिगर जो है वो मैं दोबारा से ड्रॉ करती हूँ कि मेरे पास एक प्रोजेक्टाइल है और यहाँ मैंने इसको रख दिया है। अब अगर आप देखें स्टूडेंट्स कि यहाँ हम जो है इसकी जो इनिशियल वेलोसिटी जो हम इसको प्रोवाइड कर रहे होते हैं बेसिकली प्रोजेक्टाइल को, वो हमने डिनोट की थी वी आई से, और फिर हमने अकॉर्डिंग टू द रेजोल्यूशन ऑफ द कंपोनेंट के, जिस तरह से हम रिजॉल्व करते हैं कंपोनेंट को, उस तरह से हमने इसकी रिजॉल्व किया था इसको, और वी आई कॉज ऑफ थीटा जो है वो स्टूडेंट्स का हमारे पास हॉरिजॉन्टल डायरेक्शन में इसका कंपोनेंट बना था, क्योंकि ये हमारे पास एक्स एक्सिस है स्टूडेंट्स, और ये हमारे पास क्या है वाई एक्सिस, और वाई एक्सिस में जो इसका कंपोनेंट आता है इनिशियल वेलोसिटी का, वो हमारे पास क्या आता है वी आई साइन ऑफ थीटा, ठीक है। और उसके अलावा ये हमारे पास अपवर्ड डायरेक्शन में कंपोनेंट जा रहा है, और ये हमारे पास डाउनवर्ड, यानी कि इसको बिल्कुल मैंने जिस तरह से हम रिजॉल्व करते हैं कंपोनेंट को, उसके मैंने वेक्टर्स की डायरेक्शंस बना दी हैं। फिर एक और जो हम, क्योंकि आपने हर पॉइंट पे अगर हम देखें तो हम ये देखते हैं कि एक हॉरिजॉन्टल, इसको कुछ इस तरह से बनाया जाए तो ज़्यादा बेहतर होगा, यानी कि अगर मैं एक पॉइंट पे, अगर यहाँ इस पॉइंट पे अगर आपको दिखाऊं तो आप देख सकते हैं कि यहाँ हमारे पास जो है वो कंपोनेंट्स जो हैं वो वी एक्स की डायरेक्शन में भी हैं और वी वाई की डायरेक्शन में है, यानी कि हर पॉइंट पे इसी तरह हमारे पास एक हॉरिजॉन्टल डायरेक्शन होगी, एक वर्टिकल डायरेक्शन होगी, एक हॉरिजॉन्टल, एक वर्टिकल, बिल्कुल इसी तरह, यानी कि क्योंकि प्रोजेक्टाइल जो है वो हमारे पास टू डायमेंशनल मोशन एग्जीक्यूट कर रहा होता है, तो उसके पास दोनों जो हैं वो वेलोसिटीज की वैल्यू हो सकती हैं। अब अगर हम उसको कैलकुलेट करना चाहते हैं, यानी कि एक किसी भी एक पॉइंट पे मैं जो है वो वर्टिकल के हॉरिजॉन्टल वेलोसिटी की वैल्यू कैलकुलेट करना चाहती हूँ जो कि वी एक्स है, तो वो हमारे पास क्या होगी, यानी कि वी एक्स की वैल्यू एट एनी टाइम जो है, एट एनी इंस्टेंट, एट एनी टाइम टी जो है वो क्या होगी हमारे पास, वो हम किस तरह से निकालेंगे। अगर आप देखें स्टूडेंट्स के हमारे पास वी एक्स की जो वेलोसिटी की वैल्यू है वो हमारे पास सिर्फ ए की वैल्यू है, जो कि वी आई कॉज ऑफ थीटा के बराबर आ रही है। यहाँ मैं लिख भी देती हूँ वी आई कॉज ऑफ थीटा। अब ये किस तरह से मैंने यहाँ लिखा है, क्योंकि आप देख, क्योंकि मैंने आपको पिछले लेक्चर में भी बताया था कि हमारे पास एक्सेलरेशन अलॉन्ग द हॉरिजॉन्टल डायरेक्शन जो है वो जीरो है, क्योंकि हमने ए रेजिस्टेंस को निगलेक्ट किया है, इस वजह से कोई एक्सटर्नल फोर्स जो है वो हॉरिजॉन्टल डायरेक्शन में एक्ट नहीं करी, जिसकी वजह से हमारे पास एक्सेलरेशन क्या आ रही है, जीरो आ रही है, वेलोसिटी में कोई चेंज नहीं आ रहा। तो हर पॉइंट पे, यानी कि हर पॉइंट पे, जिस तरह से अगर मैं कहती हूँ कि ये वाला पॉइंट है ए, ए कह दिया, बी कह दिया, सी कह दिया, डी कह दिया, मतलब कि हर पॉइंट पे अगर आप देखें तो वेलोसिटी की जो हॉरिजॉन्टल वे में डायरेक्शन होगी वो किसके बराबर आ जाएगी, वी आई कॉज ऑफ थीटा के बराबर आएगी, यानी कि उसमें कोई चेंज प्रोड्यूस नहीं होगा, ठीक। ये बात क्लियर होगी यहाँ से हमें। अब अगर हम दूसरी, यानी कि अब मैं वर्टिकल, यानी कि वी वाई की वैल्यू फाइंड आउट करना चाहती हूँ एट एनी इंस्टेंट, यानी कि किसी पॉइंट पे जो है मैं उसकी वर्टिकल वेलोसिटी की वैल्यू कैलकुलेट करना चाहती हूँ, तो मैं ये देखती हूँ कि मेरे पास दो वेलोसिटीज आ रही हैं जो कि वर्टिकल डायरेक्शन में, यानी कि वाई एक्सिस के लॉन्ग है। एक तो हमारे पास वी आई साइन ऑफ थीटा है, ठीक है, जो कि हमारे पास इनिशियल वेलोसिटी है जो कि हमने प्रोवाइड की है उसको, वी आई साइन ऑफ थीटा हमारे पास इनिशियल वेलोसिटी है, और एक और वेलोसिटी जो कि डाउनवर्ड डायरेक्शन में एक्ट कर रही है, यानी कि हमारे पास जो नीचे की डायरेक्शन में एक्ट कर रही है वो हमारे पास कौन से होगी, एक्सेलरेशन ड्यू टू ग्रेविटी, और उसकी वजह से हमारे पास वेलोसिटी भी आएगी, यानी कि ए वाई जो है वो हमारे पास किसके बराबर है, जी के बराबर है। ए वाई की वैल्यू हमारे पास किसके बराबर है, जी के बराबर है, और ए जो है वो हम जानते हैं ए जो होता है वी डिवाइडेड बाई टी के बराबर होता है। तो अगर मैं वर्टिकल डायरेक्शन में वेलोसिटी की वैल्यू करना कैलकुलेट करना चाहती हूँ तो मैं ए को मल्टीप्लाई कर दूंगी स्टूडेंट्स टी के साथ, और एक्सेलरेशन जो वर्टिकल डायरेक्शन में, यानी कि डाउनवर्ड डायरेक्शन में मूव हो रही है, वो हमारे पास क्या है, जी, तो g मल्टीप्लाई बाय टी आ जाएगा। अब क्योंकि इसकी डायरेक्शन नीचे की तरफ है और पॉजिटिव पॉजिटिव डायरेक्शन जो है वो हमने अपवर्ड डायरेक्शन लिया है, जो कि अलोंग द एक्सिस y एक्सिस के अलोंग है, और जो उसके ऑपोजिट डायरेक्शन में जाएगा उसके लिए हम माइनस साइन लगाएंगे और g इंटू टी हो जाएगा, यानी कि ये हमारे पास वो इक्वेशन आ गई, ठीक है, यानी कि वी आई साइन ऑफ थीटा माइनस जी टी, यानी कि दो जो दो वैल्यूज हैं वेलोसिटी की, एक अपवर्ड डायरेक्शन में है, जो कि मैं अब अगर डिफरेंट पिंक कलर से शो कर देती हूँ, या फिर चले पापा कलर से शो कर देती हूँ, थोड़ा सा डार्क हो जाएगा। अब आप, आपको ये दोबारा से एक्सप्लेन करने जा रही हूँ कि ये वी आई साइन ऑफ थीटा है जो कि अपवर्ड डायरेक्शन में आ रही है, और इसी तरह एक वेलोसिटी की जो वैल्यू है वो जी टी है जो कि डाउनवर्ड डायरेक्शन में, इसी वजह से मैंने इन दोनों को आपस में क्या किया, माइनस किया, तो ये मेरे पास वी वाई जो है वो
किसी एक इंस्टेंट पे, किसी भी इंस्टेंट पे जो है आप वैल्यू कैलकुलेट कर सकते हैं इन द वर्टिकल डायरेक्शन। अब क्योंकि हम मैग्नीट्यूड यानी कि अगर ये तो मेरे पास उसके कंपोनेंट्स आ गए यानी कि वी एक्स और वी वाई जो है उसके कंपोनेंट्स हैं। अब अगर मैं इसका मैग्नीट्यूड फाइंड आउट करना चाहती हूँ, मैग्नीट्यूड ऑफ वेलोसिटी, ठीक है, मैग्नीट्यूड ऑफ वेलोसिटी फाइंड आउट करना चाहती हूँ किसी एक इंस्टेंट पे, ठीक है, तो वो किस तरह से फाइंड आउट कर सकती हूँ कि वो अगर मैं वी से डिनोट करती हूँ स्टूडेंट्स, तो मेरे पास वो किसके बराबर होता है, वी एक्स का स्क्वेयर प्लस वी वाई का स्क्वेयर उसके बराबर होता है। तो अब मैं इसकी वैल्यूज अगर पुट करती हूँ, वी एक्स का स्क्वेयर प्लस वी वाई का स्क्वेयर, और ये फॉर्मूला हमारे पास कहाँ से आता है स्टूडेंट्स, ये हमारे पास जो है वो हमारे पास पाइथागोरस थ्योरम से आता है, जिसमें हम देखते हैं कि हाइपोटेन्यूज स्क्वेयर जो होता है वो हमारा बेस स्क्वेयर प्लस जो है वो हमारे पास परपेंडिकुलर के स्क्वेयर के बराबर होता है, और इसी तरह हाइपोटेन्यूज जो होता है वो अंडर द रूट बेस स्क्वेयर प्लस जो है वो परपेंडिकुलर का स्क्वेयर होता है। इस केस में हमारे पास क्या है, ये जो चीज है स्टूडेंट्स ये वाली हमारे पास यानी कि ईच इंस्टेंट पे अगर आप देखें तो हमारे पास ये हाइपोटेन्यूज बन रहा है, फिर हमारे पास ये बेस है और ये हमारे पास परपेंडिकुलर है। इसी तरह हर इंस्टेंट पे हम इसी तरह राइट एंगल ट्राइंगल ड्रॉ करके उनके उनकी जो वेलोसिटी की वैल्यू जो है वो कैलकुलेट कर सकते हैं। अब वी एक्स की वैल्यू जब मैं इसमें यहाँ पुट करती हूँ तो मेरे पास यहाँ क्या आ जाता है, वी आई इंटू कॉस ऑफ थीटा का होल स्क्वेयर, ठीक है, और प्लस हमारे पास आ जाता है स्टूडेंट्स वी आई साइन ऑफ थीटा माइनस जी टी का होल स्क्वायर, ठीक है, ये हमारे पास इसकी वेलोसिटी की वैल्यू आ गई। अब अगर हम स्टूडेंट्स एक एंगल फाइंड आउट करना चाहते हैं यानी कि एंगल विच रिजल्टेंट वेलोसिटी का जो एंगल होगा जिसे हम थीटा से डिनोट कर रहे हैं, वो हम किस तरह से रिप्रेजेंट कर सकते हैं विद द हॉरिजॉन्टल यानी कि हॉरिजॉन्टल के साथ जो एंगल उसने बनाया है यानी कि थीटा एंगल जो उसने बनाया है हॉरिजॉन्टल के साथ, यानी कि अगर मैं इसको दोबारा से यहाँ ड्रॉ करूँ एक प्रोजेक्टाइल को और यहाँ अगर आपको उसको शो करना चाहूँ तो ये मेरे पास अगर वेलोसिटी है तो ये एंगल जो है जो कि हम फाइंड आउट करना चाहते हैं जो कि उसने हॉरिजॉन्टल के साथ ड्रॉ किया, वो किस तरह से फाइंड आउट कर सकते हैं कि हम टैन ऑफ थीटा की वैल्यू यूज करेंगे जो कि हमारे पास क्या होती है परपेंडिकुलर अपॉन बेस यानी कि वी वाई डिवाइडेड बाय वी एक्स, ठीक है, वी वाई डिवाइडेड बाय वी एक्स, सही। तो हमारे पास वी वाई डिवाइडेड बाय वी एक्स की वैल्यू जो है जब इसमें पुट करेंगे तो हमारे पास टैन ऑफ थीटा आ जाएगा और थीटा जो है वो हमारे पास क्या हो जाएगा, यहाँ अगर मैं थोड़ा सा स्क्रोल कर लेती हूँ इसको, हमारे पास टैन इनवर्स ऑफ वी वाई डिवाइडेड बाय वी एक्स। तो ये है स्टूडेंट्स हमारे पास थीटा की वैल्यू जो कि हमने कैलकुलेट कर लिया है। अब नेक्स्ट लेक्चर्स में हम क्या देखेंगे, नेक्स्ट लेक्चर में हम हाइट ऑफ द प्रोजेक्टाइल फाइंड आउट करेंगे, फिर उसके बाद टाइम फाइंड आउट करेंगे कि कितना टाइम वो ड्यूरिंग फ्लाइट यूज करता है, फिर उसके बाद हम जो है उसकी हॉरिजॉन्टल जो है वो रेंज भी फाइंड आउट करेंगे यानी कि उसने कितना हॉरिजॉन्टल डिस्टेंस ट्रैवल किया। तो ये सारी चीजें नेक्स्ट लेक्चर में आप देखेंगे।